हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इस एप में आप लोगों को मैं लेक्चर में ही समझाने जा रहा हूँ। लेक्चर ही ठीक है, वो बुक लेके बैठोगे, पढ़ाई तो हो ही रहा होगा ना, बुक तो है ही, डायग्राम तो आपके पास ही, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कि आपको इस बार या अब पेपर में आपको जो डायग्राम है ना, उसको लेबल करना बहुत जरूरी है। डायग्राम जब आप बनाते हो, बहुत अच्छा डायग्राम बने ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जो लेबलिंग है ये बहुत जरूरी है। बुक निकालिए, बैठिए, बुक में निकालिए आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, निकाल दिया। आइए सबसे पहले मेल का जो मेन मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है हम उसको बात करते हैं। जैसा आप जानते हो, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज परफॉर्म बाय सेक्सुअल वे है। सेक्सुअल में दो ड्यूल गैमेट्स होता है, ड्यूल गैमेट्स आपस में मिला, एक मेल गैमेट्स जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, एक फीमेल गैमेट्स जिसको हम ओबम बोलते हैं या एग सेल बोलते हैं। क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन मेन पार्ट्स की बात करें, सबसे पहले टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस कंटेन इन ह्यूमन मेल। ये जो टेस्टिस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक स्पर्म। ये टेस्टिस स्पर्म बनाने के लिए काम करता, टेस्टिस से स्पर्म बनता है और वो वास डक्ट में आके जमा होता। यहां पर मिल्की अल्कलाइन नेचर का, मिल्की कलर का एक लिक्विड प्रोड्यूस होता जिसको हम सिमंस कहते हैं। सिमंस न्यूट्रिएंट्स भी देता है स्पर्म को जिंदा रहने के लिए, और साथ साथ जितने भी उसमें प्रोटीन वगैरह ये सब होता, और उसको फ्लूडिटी भी देता है जो वो फ्लो कर सके। तो ये सिमंस का काम हुआ। यही ग्लैंड्स भी है वास डक्ट के ऊपर आपका, और उसके बाद ये जो जुड़ा रहता है पेनिस के थ्रू। पेनिस मेन कपलेटरी ऑर्गन्स है, कपलिंग के लिए पेनिस ही मेन ऑर्गन है जो कपलिंग होता है। अब जब ये वास डक्ट वगैरह से जब स्पर्म रिलीज होगा तो वो पेनिस के थ्रू रिलीज होगा। अब आ जाइए फीमेल में, मेन उसका जो है ओबड़ी। ओबड़ी जैसे आपका टेस्टिस है वैसे ही फीमेल में ओबड़ी है। ओबड़ी जब फीमेल गर्ल्स का बर्थ होता है उसी समय दोनों ओबड़ी में अनडेवलप या अनमैच्योर्ड बट फिक्स्ड इन फिक्स्ड अमाउंट द नंबर ऑफ एग सेल आर कंटेन, बर्थ के साथ ही कंटेन होता, और वो जो ही एडोलेसेंस एज में से आने लगते हैं तो उसके बाद से इधर ओबड़ी से एक एग सेल मैच्योर होकर रिलीज होता है। ओबड़ी से जुड़ा रहता है फिलोपियन ट्यूब, इसको फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब एक्चुअली साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एग सेल वहां से ओबड़ी से रिलीज होके फिलोपियन ट्यूब में ही आएगा। फिलोपियन ट्यूब में आने के बाद वहीं पे वो स्पर्म से फर्टिलाइज होगा। स्पर्म कंटेन ऑल द हेरिडिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पर्म में ही सारा हेरिडिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रांसफर होता है। स्पर्म में एक तो हेड होता, दूसरा टेल होता। जब फर्टिलाइज होता है तो केवल हेड एंटर कर जाता है ओबम में यानी एग सेल में, टेल टूट जाता है। अब फिलोपियन ट्यूब के साथ में यूट्रस होता है फीमेल में। यूट्रस जहां पर वो जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से फ्यूटस होना, फ्यूटस से यंग बेबी में कन्वर्ट होना, वो डेवलपमेंट वहीं पे होता यूट्रस में, जस्ट बिलो ऑफ द एब्डोमेन यूट्रस आर कंटेन। क्लियर है। अब उसके बाद यूट्रस कंटेन से जुड़ा रहता है क्या, वेजाइना। मेन वेजाइना का काम क्या हुआ, इट इज द पैसेज ऑफ द बर्थ ऑफ बेबी, ऑल्सो इट इज कपलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल का कप्लीमेंट्री कप्लेंट्री ऑर्गन आपका विजाइना है, मेल का कप्लेटरी ऑर्गन पेनिस है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको पहले ही बताया है, व्हेन दे मीट
देन मेल रिलीज अप्रोक्सीमेटली 10,000 ऑफ स्पर्म एट वंस. स्पर्म 10,000 की संख्या में से कम नहीं, 10 से ज्यादा 1,000,000 स्पर्म आर रिलीज. और वो रिलीज जब होगा तो सभी स्पर्म में एक रेस लगता है, ये कंपटीशन जीतना हो गया, और जो जीत गया, जो पहला पहुंचा वही फर्टिलाइज होगा. इसलिए बेटा हम सब जन्म लेने से पहले ही रेस जीत के आए हैं, 1,000 को हरा के तब हम लोग पैदा हुए हैं. आप में कितना ताकत है, आप में कितना जोर है, सोच के देखिए. आप जब जन्म लेने से पहले ही आपने कंपटीशन विन किया, जीता है, उसके बाद ही आप धरती पे आए हो सब, क्योंकि जो जीतेगा वही फर्टिलाइज होगा. और मेल में स्पर्म जब तक फर्टिलाइज नहीं होगा बेबी ग्रो हो नहीं सकता. और हम लोग बाय हमारा बर्थ हुआ है तो दैट मीन्स हम लोग बेबी थे, और बेबी थे तो इसका मतलब हमने हराया. हम में ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए. अगर आप में ताकत है जो हजारों को हरा के जिन आप आ सकते हो धरती पे, तो भाई साहब ये किताब, ये नॉलेज, ये सब पढ़ाई लिखाई क्या चीज है, आप इसको भी हरा दोगे. अपने ताकत को जानो, ठीक है. अब आइए आगे बढ़ते हैं. तो बेटा तो उसमें से एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ. जब एक फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन का साइट कहां है, फिलोपियन ट्यूब. फिर फिलोपियन ट्यूब से जायगोट को इम्प्लांट होता है यूट्रस में. जायगोट जो यूट्रस में एंटर करता उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं. अब यूट्रस में ऑलरेडी जब तक जब वैक्यूल ये आपका जो ओबम रिलीज होगा उससे पहले यूट्रस अपने आप को एक फर्टिलाइज एग को एक्सेप्ट करने के लिए डेवलप कर लेता. उसमें क्या होता कि उसके लीनिंग्स, यूट्रस के लीनिंग्स, म्यूकस, ब्लड कैपिलरीज, कुछ प्रोटीन, इन सब से भर जाता है जो इसको डेवलप करने में, फ्यूटस बनने में जायगोट को काम आएगा. अब वो वहीं पे सारा कुछ प्रोवाइड मिला, सारा न्यूट्रिशन मिला, फिर फ्यूटस से डेवलप होता है प्लेसेंटा. वो प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर बनता जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से निकल के वो मदर के स्मॉल इंटेस्टाइन से चिपक जाता है. सारा बेबी, अच्छा जिसमें फर्टिलाइज हो गया एक जायगोट बन गया तो वो कहते हैं क्या, प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट हो गया. यानी वो यूट्रस में आया और उसको खाना मिलने लगा. वो खाना कहां से होगा, मदर के स्मॉल इंटेस्टाइन से, प्लेसेंटा के थ्रू ही लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू ही वेस्टेज भी मदर के इंटेस्टाइन में छोड़ेगा. अब वो डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद जब सारे ऑर्गन डेवलप हो गया तो वो यंग बेबी हो गया. फिर उसका बर्थ होता और अप्रोक्सीमेटली ये स्लो प्रोसेस है तो नियर बाय ह्यूमन बींग में 9 मंथ लग जाता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में. किसी किसी केस में जल्दी भी हो जाता लेकिन एक्चुअली जो एवरेज है वो 9 मंथ का है. प्रेगनेंसी हुआ, फिर बर्थ हुआ, फिर बेबीज आ गया. अब देखिए ये भी हो सकता है, व्हाट हैपन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज. एग इज नॉट फर्टिलाइज दैट मींस एग जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसका मतलब ओव्यूलाइजेशन हुआ, ओब्यूल ओबम से रिलीज हुआ. ओबम से जब ओब्यूल रिलीज होगा तो वो आकर फिलोपियन ट्यूब में ईदर 1 or 2 days वेट करता है और नहीं, या तो 1 दिन या 2 दिन वो वेट करता है. अगर इन 2 दिनों के बीच में स्पर्म उसे मीट हुआ, स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो ठीक है, अदरवाइज वो एग सेल डेड हो जाता. एग सेल डेड हो गया तो यूट्रस जो अपने आप को तैयार किया था टू एक्सेप्ट अ फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग को लेने के लिए यूट्रस जो अपने आप को क्रिएट किया था, तैयार किया था, उसका लीनिंग टूटना शुरू हो जाता. ब्लड के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वेजाइना से वो बाहर निकल आता है, जिसको हम लोग मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं. मेंसुरेशन साइकिल हर एक फीमेल में
ह्यूमन फीमेल में आफ्टर 28 डेज वो सर्कुलेट होता है। ये प्रोसेस ओबलाइज का मैच्योर होना, रिलीज होना, वेट होना, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर उसका लीनिंग टूटना, बाहर निकलना, इसमें 4 वीक लगता है। दैट मीन्स 28 डेज। इसको हम लोग मंथली साइकिल के नाम से भी जानते हैं। जिस लड़की में, जिस फीमेल में स्टार्टिंग जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता उसको क्या कहते हैं, मेनार्च। और जो लास्ट होता है, जिसके बाद मैंने अभी बताया कि ओबम जब तक है वो है मेनार्च, लगभग 10-12 एज में आने के बाद स्टार्ट होता और मेनापोज यानी स्टॉप, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, वो करीब 45-55 के बीच में बंद हो जाता। ये इस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन हुआ। अब देखिए, एक इससे आपको एसटीडी भी पूछा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारे हैं जो अनसेफ कॉन्टेक्ट से भी क्रिएट होता। आपने एड्स का नाम सुना है, एचआईवी का नाम सुना है, ये यही कारण है। आपने फिल्म देखा होगा पैडमैन, पहले कुरीतियां भी बहुत थी, लोग इसको अशुभ मानते थे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अरे वही तो पीरियड है, वही तो उसकी किसी भी ह्यूमन फीमेल की जो हेल्दी है उसका तो ये निशान है। अगर वो नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है तो दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम सम डिसकंटिन्यूटी, सी इज नॉट वेल। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और बर्थ कंट्रोल के लिए भी पूछा जा सकता है। तो कंट्रोल 3 तरीके से होता है बर्थ कंट्रोल, सर्जिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, आपका ये केमिकल मेथड है। फिजिकल यानी बेरियर मेथड, इसमें बेरियर लगा देते हैं, कंडोम यूज करते हैं, स्पर्म को ओबम से रिलीज मतलब मिलने ही नहीं दिया, फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी रुक गया, बर्थ कंट्रोल हो गया। ऐसे ही फीमेल कॉपर टी यूज करते हैं, कॉपर टी में फर्टिलाइज होता है बट फिलोपियन ट्यूब से एंटर जो यूट्रस में होगा वो स्टॉप कर देते तो फर्टिलाइज एक फिलोपियन ट्यूब भी डेड हो गया तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने दिया, प्रेगनेंसी से बच गया। ये तो आपका बेरियर मेथड हो गया। इसके बाद केमिकल मेथड भी आता है, जो एक पील होता जो लेडीज उसको खा लेती है वो हार्मोन्स ऐसा डेवलप करता कि एग को रिलीज ही नहीं करता, एग रिलीज भी हुआ तो डेड हो गया। एक ऑइंटमेंट आता है जो वेजाइना पे ह्यूमन फीमेल यूज करती हैं और उससे क्या हुआ, स्पर्म उस क्रीम से टच होते ही मर जाता है, तो केमिकल मेथड से मार दिया, आपने फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया, बर्थ कंट्रोल हो गया। थर्ड है सर्जिकल मेथड, लेडीज में ये जो आपका फिलोपियन ट्यूब था, साइट था, उसी को काट देते हैं, काट के बैरियर बना दिया, ट्रैक ही बंद, पाथ ही गलत, तो फिर वहां एक ना तो एक पहुंच आएगा वहां पर, ना स्पर्म वहां पर जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बर्थ कंट्रोल। या ह्यूमन में वास डक्ट को ही कट कर दिया, वास डक्ट से स्पर्म ही नहीं फ्लो होगा, स्पर्म नहीं फ्लो होगा तो उससे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये बर्थ कंट्रोल के कुछ प्रोसेसेस हैं, और भी कई हैं, लेकिन मेन जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसको समझिए, पेपर के लिए उसको तैयारी कीजिए, ठीक है, सोचता हूं अच्छा कर लेंगे।